With amazing results in this year's civil services examination, Study IQ has once again proved that quality can be provided along with affordability. हमारे P2I यानी prelims to interview 2025 live batch में you will get 1000 plus hours की live classes, one-to-one mentorship, daily answer writing practice, success in prelims crash course, 18 books covering all GS subjects, interview guidance program and the most important mains residential program where all prelims cleared students will be called to Study IQ campus in Delhi at no additional cost. Batches English, Hindi or English तीनों में available हैं. For any query, call 079-7142-0466. Scan QR code to join now. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई affordable. हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशा शर्मा है. मैंने इस साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 में ऑल इंडिया रैंक 378 हासिल की. ये मेरा तीसरा प्रयास और पहला इंटरव्यू था. पहले दो प्रयासों में मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाई थी और मुझे ऐसा लगता है कि मेनली प्रीलिम्स क्वालिफाई ना करने के पीछे मैंने कुछ मेजर मिस्टेक्स कर दी थी पास टू अटेम्प्ट्स में, जिनको कि मैंने इस अटेम्प्ट में करेक्ट करने की कोशिश करी और इस बार मैं प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाई. तो उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि ये मिस्टेक्स आप लोग रिपीट ना करें ताकि आप अपने अटेम्प्ट को सेव कर सकें. सबसे पहली चीज़, फर्स्ट प्रीलिम्स जो कि मैंने 2021 में दिया था, हालांकि 2019-20 में पूरी प्रिपरेशन के बाद मैंने वो प्रीलिम्स दिया था, बट स्टिल मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई क्योंकि कुछ मिस्टेक्स. सबसे पहली चीज़ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ठीक तरीके से फोकस ना कर पाना. फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ना तो ठीक से पढ़ा था ना उनको प्रॉपर वे में एनालाइज किया था, जिसकी वजह से वहाँ पर मुझे बहुत इश्यूज देखने को मिले. मुझे ये तरीका ही नहीं समझ आ पाया कि इस एग्ज़ाम की क्या डिमांड है और किस तरीके से हमें चीज़ों को करना है. सेकेंड चीज़, एक मैंने बहुत बड़ी गलती करी कि मैंने न्यूज़पेपर्स, करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा. तो वहाँ पर जो भी चीज़ें उनसे रिलेटेड थी, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट चल रही थी, वो चीज़ें मुझसे मिस आउट हो गई. थर्ड मिस्टेक थी, मैंने एक भी मॉक या फिर कोई भी टेस्ट नहीं लगाया. तो किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना होता है वो भी चीज़ मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाई. एंड फोर्थ मिस्टेक, रिवीजन का इशू. हालांकि मैंने 2 साल इस प्रिपरेशन को दिए, बट स्टिल रिवीजन जैसी चीज़ों पर मैंने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस नहीं किया. मल्टीपल सोर्सेज पढ़ना, एक ही चीज़ों को अलग अलग सोर्स से कवर करते रहना, इन वजहों से मैं एक किसी भी पर्टिकुलर सोर्स को बहुत अच्छे वे में रिवाइज़ नहीं कर पाई, जिसकी वजह से फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स में अराउंड मेरा 45 मार्क्स आए, जो कि कट ऑफ से बहुत कम थे. तो सेकेंड टाइम पर भी मैंने ये गलती करी कि मैं बाकी चीज़ें तो मैंने मैनेज करी, नॉलेज लेवल पर मैंने काम करने की कोशिश करी, मैंने रिवीजन पे फोकस किया, बट एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो कि मैंने ये करी कि मॉक्स प्रॉपर नहीं लगाए, जिसकी वजह से एग्जामिनेशन हॉल में जा कर के वो प्रेशर को मैं नहीं डील कर पाई. और लगभग 1.5 घंटे के आसपास तो प्रीलिम्स में जो फर्स्ट हमारा जीएस का एग्ज़ाम होता है उसमें चीज़ें नॉर्मल वे में चलती रहीं, बट लास्ट का जो हाफ एन आवर था वो मैं मैनेज नहीं कर पाई और वहाँ पर एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल होने के कारण, पैनिक करने के कारण, एक तो मार्क्स से मैंने प्रीलिम्स ही कट ऑफ मिस कर दी लास्ट ईयर. और सेम एक मिस्टेक मैंने और बहुत बड़ी करी कि सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने सी सेट को बहुत लाइट ले लिया, जिसकी वजह से सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा सी सेट भी क्वालिफाई नहीं हो पाया, जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था बट सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं हो पाया. तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थर्ड अटेम्प्ट में मैंने जो चेंजेस करे उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी. सबसे पहली चीज़ तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना ज़रूरी है. सबसे पहला, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत बेटर वे में उनको एनालाइज करना ज़रूरी है. अब ये चीज़ हम सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और हमें उन्हें करना चाहिए, बट मिस्टेक्स और दिक्कत यहाँ पर आती है कि हमें ये चीज़ नहीं समझ आती है कि किस तरीके से हमें उन्हें एनालाइज करना है. तो सबसे पहली चीज़ तो क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखना है, उनके लैंग्वेज को समझने की कोशिश करनी है, किस तरीके के कॉन्सेप्ट्स पूछे जा रहे हैं, किस डेप्थ में चीज़ें पूछी जा रही हैं, ये चीज़ें हमें समझना ज़रूरी है. तो फर्स्ट चीज़, PYQs देखते टाइम उनके ऑप्शंस को, जो भी ऑप्शंस UPSC फ्रेम कर रहा है, किस लैंग्वेज में वो फ्रेम कर रहा है, किस तरीके से गलत स्टेटमेंट्स बनाई जा रही हैं, उन पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है. सेकेंड चीज़, किस तरीके से ऑप्शंस सेट करे जा रहे हैं और कैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ये हमें समझने की और ये चीज़ें हमें खुद से एनालाइज करने की ज़रूरत है. जब कोई और हमें बताता है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा रॉन्ग होते हैं या फिर ये वर्ड यूज़ हो जाता है तो वो चीज़ें सही होती हैं, इन चीज़ों को जब हम किसी दूसरे से सुनते हैं तो हम बहुत बेटर वे में उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते.
इसलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए, उसको प्रॉपर वे में उसको एनालाइज करिए। इसके लिए दो चीज़ें आप कर सकते हैं, कुछ मार्केट में बुक्स हैं, आप उनको देख सकते हैं। जैसे कि प्रीलिम्स में कुछ बुक्स हैं जिसमें कि बहुत डिटेल में सारी चीज़ें, उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो मेंशन है, आप ये भी कर सकते हैं। या इसके अलावा आप इंटरनेट पे जो भी टॉपिक्स, जिन भी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है उसको आप सर्च आउट कर सकते हैं और उसके उस बारे में और एक लेवल आगे जा करके उसको इन डेप्थ आप कवर कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, किस तरीके से लैंग्वेज सेट करी जा रही है वो भी आपको समझना ज़रूरी है, तो आप उस पर भी काम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर लेने के बाद में हमें जो भी हमारे नोट्स हैं या जो भी हमारी बुक है रेफरेंस मटेरियल, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने की ज़रूरत है। कोई भी एक सब्जेक्ट के लिए एक सोर्स रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई ये बात बोलता है कि रिवीजन जितनी ज़्यादा होगी उतने बेटर वे में हम परफॉर्म कर पाएंगे। तो रिवीजन तभी हम अच्छे से कर पाएंगे जब हम एक सब्जेक्ट के लिए एक सोर्स को फॉलो करेंगे। देन थर्ड स्टेज पे अगेन हमें कोशिश करनी चाहिए उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दोबारा से हम सॉल्व करें। हमारा माइंड में अक्सर ये चीज़ रहती है कि ये क्वेश्चंस तो हम एक बार कर चुके हैं, ये क्वेश्चन देख चुके हैं हम, बट ट्रस्ट मी, बहुत बार क्वेश्चंस करने के बाद भी अगर आप अभी भी वो पेपर्स लेकर के बैठेंगे तो 100 out of 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर का करेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इवन आफ्टर मल्टीपल रिविजन्स ऑल्सो। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा बार हम PYQs को सॉल्व कर सकें। अगेन एक क्वेश्चन और आता है कि हमें कितने ईयर्स के PYQs करने चाहिए। सबसे पहली चीज़, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे कि हिस्ट्री, तो वहाँ पर मैंने 1979 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस करे थे और उनके प्रॉपर सारे नोट्स बनाए थे खुद से। उसके बाद बाकी जो सब्जेक्ट जैसे कि पॉलिटी और हिस्ट्री, उसमें हमें आई थिंक 1979 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस कर लेने चाहिए अगर हमारे पास टाइम परमिट करता है। और इकोनॉमिक्स और बाकी जो सब्जेक्ट्स थोड़ा सा करेंट ओरिएंटेड ज़्यादा हैं उनमें हम 2010 या 11 ऑनवर्ड्स चीज़ें कर सकते हैं, बट जो भी स्टैटिक पोर्शन है उसमें कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम 1979 ऑनवर्ड्स चीज़ें कर लें अगर हमारे पास टाइम परमिट कर रहा है तो। और सेकंड चीज़, जो भी हमारे नोट्स हैं उनको प्रॉपर वे में हमें पढ़ना है, उनको एनालाइज करना है, और उसके बाद दो तीन चार मॉक हमें लगा लेने चाहिए आई थिंक, ताकि एक एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में हम चीज़ों को मैनेज करना सीख जाएँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास नॉलेज होती है बट स्टिल हम क्वेश्चन पैटर्न में, जब हमारे अंदर एक MCQ एप्टीट्यूड हम नहीं डेवलप करते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में वो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में चीज़ों को डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और वहाँ पर पैनिक करने जैसी चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट जैसे इशू, ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे पूरे साल की मेहनत को कुछ मिनटों में ख़राब कर देती हैं। तो इसलिए आप प्लीज़ एग्ज़ाम लाइक कंडीशंस में खुद को टेस्ट करिए कम से कम 2-3 बार प्रीलिम्स में जाने से पहले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स के में एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के ही आप टेस्टिंग कर रहे हैं, तो वो चीज़ थोड़ा सा रिस्की हो जाती है, तो हमें वो चीज़ कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ मैं सोर्सेज बता देती हूँ जो मैंने पढ़े थे। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी आपको कि ये सोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए, अभी तक आपने जो भी सोर्सेज पढ़े हैं आप उन्हीं को फॉलो करिए। मैं ये अपनी एक बुक लिस्ट हल्की सी बता देती हूँ, इनको इन डिटेल मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूँगी सारे बुक्स को और जो भी मेरी लिस्ट रही थी। तो सबसे पहली चीज़ पॉलिटी। पॉलिटी के लिए मैंने दीपिका मैम के मेरे नोट्स थे तो मैंने उसको फॉलो किया था। मैंने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी है और क्योंकि मेरे नोट्स बहुत एग्जॉस्टिव थे तो इसलिए मैंने और कोई सोर्स को भी रेफ़र नहीं किया। और ये नोट्स मैंने 2019 में ही, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, मैंने तभी बनाए थे और अभी तक भी, इवन मैंने 2023 का भी जो अटेम्प्ट दिया उसमें भी मुझे इसी से मेरा काम चल गया था और मैंने कुछ और नहीं पढ़ा था। सेकेंड चीज़ इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मृणाल सर के नोट्स फॉलो करे थे और PT 365 करंट अफेयर्स के लिए करी थी। उसके अलावा बाकी सोर्सेज मैंने नहीं कवर किए थे। और क्योंकि मेरा BCOM ऑनर्स रहा है तो मेरा इकोनॉमिक्स में बैकग्राउंड रहा है तो बेसिक्स मुझे ऑलरेडी क्लियर थे, तो ये चीज़ मैं मेंशन कर देना चाहती हूँ कि बेसिक्स में मुझे बहुत ज़्यादा इशूज़ नहीं थे। तो कुछ बच्चे 11th 12th की NCERTs पढ़ते हैं तो आप अगर बेसिक्स में इशू हैं तो आप वो चीज़ देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ इन्वायरमेंट के लिए, शंकर IAS की बुक बोली जाती है, बहुत फेमस है और बच्चे पढ़ते हैं, बट मैंने वो बुक नहीं पढ़ी थी। क्लास 12th की बायोलॉजी की लास्ट 4 chapters एंड क्लास 11th की केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है एक, वही दोनों चैप्टर्स मैंने, वही बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के चैप्टर्स मैंने करे थे NCERT से, और उसके अलावा मेरे नोट्स थे तो उनको मैंने पढ़ा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इन्वायरमेंट, पॉलिटी या कोई भी सब्जेक्ट्स हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना मस्ट है।
और इवन मैं ये बात भी कहती हूँ, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, 2011 ऑनवर्ड्स भी अगर आप PYQs बहुत इन डेप्थ एनालाइज करके कर लेते हैं और आप कोई और सोर्स मल्टीपल सोर्स आप नहीं भी कवर कर रहे हैं तब भी प्रॉब्लम नहीं आती है, बशर्ते आपने उन चीज़ों को बहुत अच्छे से करा हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, उनके सभी ऑप्शंस को बहुत डिटेल में आपने अगर एनालाइज कर लिया तो। उसके बाद थर्ड चीज़ आती है फोर्थ चीज़ आती है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए मैंने क्लास 11th की NCERT की जो बुक है उसी को पढ़ा था, उसके अलावा और कोई सोर्स नहीं पढ़ा। पहले मैंने बहुत सारे सोर्सेज कवर करे थे और बहुत सारे कोशिश करी थी चीज़ें कवर अप करने की, बट फिर एंड टाइम पर मुझे ये चीज़ें रियलाइज़ हुई कि वो चीज़ें फ्रूटफुल नहीं होती हैं। वही एक बहुत मेजर मिस्टेक्स मेरी रही थी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों अटेम्प्ट में प्री ना क्वालिफाई होने के पीछे। तो थर्ड अटेम्प्ट में मैंने चीज़ें बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दी थी। तो थर्ड अटेम्प्ट में सिर्फ मैंने ज्योग्राफी के लिए NCERTs को पढ़ा और जो मैपिंग के पोर्शंस होते हैं उनके लिए मैप देखा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही बहुत अच्छे से मैं देखा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगेन मैं हाईलाइट करना चाहूँगी एनवायरमेंट के क्वेश्चंस में किस तरीके से क्वेश्चन सेट करे जाते हैं, किस तरीके से ऑप्शंस सेट करे जाते हैं, वो एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एनवायरमेंट में हमें ये अक्सर देखने को मिलता है कि जो चीज़ें बुक में मेंशन होती हैं और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें बहुत डिफरेंस होता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत उसमें एक हमें कह सकते हैं कि बहुत सारी ट्रिक्स और टिप्स ऑलरेडी PYQ की उसमें छुपी होती हैं जो कि कहीं ना कहीं हम मिस आउट कर देते हैं। और क्योंकि एनवायरमेंट बहुत अच्छा प्रोपोर्शन रखता है एग्ज़ाम में तो इसलिए वो हमें करना ज़रूरी है। और मैपिंग वाले पोर्शन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मैपिंग के पोर्शन और बाकी जो पोर्शन जो कि जिसके लिए स्पेसिफिक हम बुक नहीं पढ़नी चाहिए हमें, 11th की जो दो बुक्स हैं उनके अलावा कोई और बुक मैं नहीं सजेस्ट करूँगी पढ़ने के लिए, उसके अलावा हमें बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनके जो भी ऑप्शंस हैं उनको इन डेप्थ हमें पढ़ लेंगे अगर हम, तो वो हमें हेल्प कर जाएंगे। नेक्स्ट चीज़ है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के लिए बहुत स्पेसिफिकली मेरा बैकग्राउंड भी नहीं था कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और उसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो भी करंट अफेयर्स वगैरह थे उनको और बायोटेक्नोलॉजी, और इसमें सबसे मेन चीज़ है हमें ये समझना कि कौन से टॉपिक्स ज़्यादा वेटेज रखते हैं। इवन पूरे प्रिलिम्स में अपनी प्रिपरेशन को आप जब भी स्ट्रेटजाइज कर रहे हैं तो ये चीज़ आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि कौन से सब्जेक्ट्स कौन से टॉपिक्स ज़्यादा वेटेज रखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें चीज़ों को करना है, स्पेशली अब जब हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है। तो साइंस एंड टेक में बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, एनर्जी जैसे टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो इन पे हमें ज़्यादा स्ट्रेस देकर के इनको करने की ज़रूरत है। मैं सोर्सेज बता देती हूँ जो मैंने फॉलो करे थे। बायोटेक्नोलॉजी के लिए मैंने हेमा बिंदु मैम के नोट्स पढ़े थे और स्पेस टेक्नोलॉजी, एनर्जी जैसे टॉपिक्स के लिए मैंने रवि अग्रहारी सर के नोट्स को पढ़ा था और बाकी जो भी टॉपिक्स थे मिसलेनियस वो मैंने PT 365 से ही कवर किए थे, उसके लिए कोई बहुत एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा था। और यहाँ पर भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी ऑप्शंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनके ऑप्शंस और उनमें जो लैंग्वेज फ्रेम करी जाती है वो समझना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, हम उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा साइंस एंड टेक में मैंने एक चीज़ ये नोटिस करी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते टाइम हमें ये भी आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से उन्होंने ऑप्शंस को सेट किया है, किस तरीके से नए कॉन्सेप्ट्स जो भी आ रहे हैं उसको किस डेप्थ में वो लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि साइंस एंड टेक जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनको बहुत मुश्किल हो जाता है कवर करना, तो उसके अकॉर्डिंग हम उन चीज़ों को कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री मेरे लिए बहुत ही एक मेजर इशू था क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी नहीं था और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था, तो हिस्ट्री के लिए भी मैंने बहुत सेलेक्टिवली रही। तो यहाँ पर मैंने कोशिश करी कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ। तो हिस्ट्री में मैंने तीनों हिस्ट्री के लिए एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न के लिए 1979 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस जितने भी आए थे उनको प्रॉपर वे में करके उनके सारे ऑप्शंस को अच्छे से एनालाइज करके उनके मैंने नोट्स बना लिए थे जो कि मैं शेयर कर दूंगी। तो एंशिएंट के लिए अगर बुक की बात करें तो क्लास 6th की NCERT और क्लास 12th की Theme 1। हालांकि बहुत अच्छे से मैं Theme 1 नहीं कवर कर पाई थी बट मैंने PYQs बहुत अच्छे से करे थे तो वहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो गए थे। एंड मिडेवल के लिए मैंने क्लास 7th की NCERT एंड Theme 2 जो कि 12th क्लास की है वो दो बुक्स पढ़ी थी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से करे। आर्ट एंड कल्चर के लिए भी मैं अगेन आपको स्ट्रेस देकर के बोलूँगी प्लीज़ PYQs पे ज़्यादा फोकस करें क्योंकि आर्ट एंड कल्चर थोड़ा सा एक बहुत ज़्यादा फैक्चुअल टॉपिक हो जाता है जहाँ पर हमें मुश्किल हो जाता है बहुत सारी चीज़ों को रिमेम्बर करना। ऐसे में अगर आप PYQs को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, उनके क्वेश्चंस किस तरीके से वो सेट किए जाते हैं, कई बार आप ये फील करेंगे कि वो क्वेश्चंस ना आते हुए भी हम उनको सॉल्व कर सकते हैं,
तो यहाँ पर मैं बोलूँगी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिल्कुल मिस आउट नहीं करने चाहिए, और उनको लेकर के हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत सारी हम लिस्टिंग लर्न करने में लग जाएं या बहुत सारे टेम्पल्स आर्किटेक्चर ये सारी चीज़ें हम लर्न करने लगें अगर कोई एक क्वेश्चन ऐसा आ रखा है, बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि किस तरीके से वो क्वेश्चन सेट किया गया है, क्या लैंग्वेज फ्रेम करी गई है क्वेश्चन को इनकरेक्ट करने के लिए, उस पर हम फोकस करें। अगर इस पर हम ध्यान देंगे तो बहुत कम टाइम में हम बहुत अच्छा आउटपुट ले सकते हैं, स्पेशली आर्ट एंड कल्चर जैसे सब्जेक्ट में जो कि एक बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है। एंड नेक्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न के लिए मैंने सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, उसके अलावा और कोई सोर्स नहीं रेफर किया था PYQs के साथ में, तो ये मेरे हिस्ट्री के सोर्सेज रहे थे। उसके अलावा मैं एक चीज़ और, अभी जैसे का प्रीलिम्स हमारा बहुत पास है तो हम किस तरीके से चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, लास्ट ईयर मैंने ये चीज़ें करी थी और ये चीज़ें हेल्पफुल रहीं। अगर हम सिर्फ सोचते रहेंगे और रैंडमली कुछ भी करते रहेंगे तो टाइम कितनी जल्दी निकल जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा, तो थोड़ा सा हमें कोशिश करनी चाहिए। लगभग 50 डेज़ के आसपास हम कर सकते हैं कि 50 डेज़ के आसपास का हमारे पास टाइम है, तो इसको तीन पार्ट्स में हमें डिवाइड कर लेना चाहिए कि लगभग हम 30 डेज़ का एक अपना प्लान बना लें, उसके बाद 15 डेज़ का एक अपना प्लान बना लें, फिर 4-5 डेज़ का जो एंड का टाइम होता है उसमें अपना एक प्लान बना लें। तो 30 डेज़ का जो प्लान आपको बनाना है उसमें अगेन उसको सेग्रीगेट कर दीजिए सब्जेक्ट वाइज कि पॉलिटी को हम कितना टाइम देंगे, इकोनॉमी को हम कितने डेज देंगे, साइंस एंड टेक को हमें कितना टाइम देना है, ये वेटेज हमें डिसाइड करनी चाहिए ये देखकर कि उस सब्जेक्ट की एग्ज़ाम में कितनी वेटेज है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम आर्ट एंड कल्चर पे या फिर एंशियंट पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो कि गलती मैंने करी थी अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में। फर्स्ट अटैम्प्ट में लगभग 2 महीने के आसपास मैंने सिर्फ एंशियंट इंडिया ही पढ़ती रही थी, तो वो चीज़ें थोड़ा सा अगर हम बैलेंस्ड वे में और प्रोपोर्शनेट वे में स्मार्टली नहीं स्टडी करते हैं तो इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। तो फर्स्ट चीज़ मैं यही हाईलाइट करना चाहूँगी कि सबसे पहले आप देखिए वेटेज कितनी है किस सब्जेक्ट की, जैसे पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट जो कि इजी भी हैं और उनके वेटेज भी ज़्यादा है तो उनको हमें पहले कवर करना चाहिए, उनको हम ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। अब अगेन पॉलिटी में भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो टॉपिक्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक हैं, DPSP है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट है, इन टॉपिक्स पर हम ज़्यादा स्ट्रेस दें और स्टार्टिंग में ही ये टॉपिक्स हम कवर अप कर दें ताकि एक मेजर पोर्शन हम पहले ही कवर कर चुके हों। उसके बाद हमारा सेकंड हम ले सकते हैं इकोनॉमिक्स को, इकोनॉमिक्स की भी बहुत अच्छी खासी वेटेज होती है। नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है तो, बट उसके लिए भी हम जो भी आपके सोर्सेज आपने फॉलो कर रखे हैं उनको रिवाइज करिए अच्छे से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से करिए, बट इकोनॉमिक्स को बहुत लास्ट में रखना फ्रूटफुल नहीं होगा क्योंकि वेटेज इसकी ज़्यादा है तो हमें पहले कवर अप कर लेना चाहिए। थर्डली हम एनवायरमेंट को रख सकते हैं, एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी के पोर्शंस को। उसके बाद मैंने साइंस एंड टेक को रखा था क्योंकि हिस्ट्री में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी और हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती थी, तो साइंस एंड टेक के भी अच्छा खासा हमारा वेटेज रखता है, उसके बाद मैंने हिस्ट्री को रखा। तो इस तरीके से आप टाइम अलोकेट कर लीजिए कि 4-5 दिन आपको ये सब्जेक्ट करना है, 5 दिन आपको ये सब्जेक्ट करना है, 3 दिन ये करना है, 2 दिन ये करना है, अपनी कन्वीनियंस और अभी तक आपने जिस सब्जेक्ट को जितना टाइम दिया है उसके अकॉर्डिंग। ब्लाइंडली किसी को भी, मुझे बिल्कुल भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी चीज़ें आपने अभी तक करी हैं उन अकॉर्डिंग आप खुद से डिसाइड करिए कि कितना सब्जेक्ट आपके प्रिपरेशन के हिसाब से कितना टाइम आपको किस सब्जेक्ट को देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज़, जो भी चीज़ें, एक बात मैं और बोलना चाहूँगी कि जो भी चीज़ें आप अभी कर रहे हैं प्लीज़ उसको एक चार्ट फॉर्म में रखिए कि आप डेट वाइज मेंशन कर लीजिए कि इस डेट में इस टाइम पर मैंने ये चीज़ कवर अप कर ली है। इस तरीके से अगर आप पूरा एक चार्ट अपना मेंटेन करके रखेंगे 30 डेज़ का, तो नेक्स्ट जो 15 डेज़ होंगे वहाँ पर आप बहुत ही ईजिली इन्हीं चीज़ों को दोबारा से रिवाइज कर लेंगे हाफ टाइम में, तो ये आपको हेल्प करेगा। और उसके बाद जब आपके थर्ड रिवीजन का टाइम होगा, 4-5 डे में आपको चीज़ों को रिवाइज करना होगा, तो भी आपके पास बहुत अच्छे से सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। ऐसे में हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि रैंडमली हमें ये नहीं सोचना पड़ता अब क्या पढ़ें अब क्या पढ़ें, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे पास रिटर्न मैनर में फॉलो होती हैं। तो अगेन मैं कुछ चीज़ों को समराइज़ कर देना चाहती हूँ। फर्स्टली स्टेप्स, सबसे पहला स्टेप है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, प्लीज़ उसको इग्नोर मत करिए, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है हमारे लिए अगर हम PYQs को लाइटली लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमने तो कर लिया है, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए हैं, बट एक्चुअल में जब वही क्वेश्चन उसी पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो वो हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। इवन सेकेंड अटैम्प्ट में तो मेरी ये भी गलती रही थी कि जो रिपीटेड PYQs थे वो भी मेरे गलत हो गए थे, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत हो जाती है, स्पेशली जब एक एक मार्क्स से हमारी कट ऑफ इतना ज़्यादा डिफ़र कर रही है।
तो वहाँ पर हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। सेकंड पॉइंट पर जो भी हमारे बेसिक सोर्सेज हैं, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपने जो भी सोर्सेज अभी तक करें उनको प्लीज़ लिस्ट डाउन करिए अपने सब्जेक्ट अपने सोर्सेज को, और उन्हीं एक ही सोर्सेज को फॉलो करिए। 3 जो रिवीजन के मैंने आपको टाइमिंग बताया उनको तीनों टाइमर सेम सोर्सेज को हमें करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि एक ही सब्जेक्ट के लिए कभी ये पढ़ लिया, सेकंड टाइम में ये पढ़ लिया, थर्ड टाइम पे ये चीज़ हमने कर ली, तो उसको हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। एंड थर्ड चीज़, हमें थोड़ा सा मॉक्स लगाने की ज़रूरत है। मॉक इस सेंस में कि हमें पता चल सके कि चीज़ें किस वे में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, एक MCQ एप्टीट्यूड हमारे अंदर डेवलप हो जाए। सेकेंड अटैम्प्ट में ये भी मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं रीडिंग करने की अगर बात आती थी तो बुक रीडिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट जब MCQ सॉल्व करने होते थे, क्वेश्चंस हमें एलिमिनेट करने हैं उसके ऑप्शंस, तो वहाँ पर दिक्कत आने लगती है। तो वो चीज़ जब तक हम क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करेंगे हम नहीं सीख पाते हैं। यहाँ पर मैं अगेन हाईलाइट करना चाहूँगी एक बात को कि बहुत ज़्यादा मॉक्स के पीछे पागल होने की ज़रूरत नहीं है। जो मॉक्स में क्वेश्चन आ रहे हैं एक्चुअल एग्जाम में वो क्वेश्चन आएंगे वो श्योरिटी नहीं है, इवन वो क्वेश्चंस नहीं आते हैं मोस्ट प्रोबेबली। बट ज़रूरत इसलिए है कि हमें नए क्वेश्चंस को किस तरीके से डील करना है ये हमें सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी हम PYQs करके हम ये चीज़ें तो सीख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे उनको सॉल्व करना चाहिए, क्या लैंग्वेज है, लेकिन नए क्वेश्चन आएंगे जब आप नेक्स्ट अटैम्प्ट में जाएंगे, आप 2024 में अटैम्प्ट देंगे तो नए क्वेश्चंस आएंगे। तो नए क्वेश्चंस को किस तरीके से हमें डील करना है उसके लिए हमें नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आदत डालनी पड़ेगी। तो बेशक से आप 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन डेली सॉल्व करिए, लेकिन MCQ सॉल्व करना ज़रूरी है। थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ में थोड़ा सा हमें MCQs को पे ध्यान देना चाहिए। तो ये 3 स्टेप्स पे हमें काम करना चाहिए। उसके अलावा जो भी आपका अभी का टाइमिंग है उस टाइम को हमें डिवाइड करना है 30, 15, 5 डेज, अपने अकॉर्डिंग आप इसमें कर सकते हैं। और जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके टॉपिक्स के साथ में उनकी लिस्टिंग करनी है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है उसकी लिस्टिंग करनी है, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को पढ़ना है। और एक दो बातों को मैं और हाईलाइट करना चाहूँगी, ये लास्ट डेज के लिए जब हमारे पास लगभग 1 वीक बचा होता है प्रीलिम्स के और हमारा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो उस टाइम पर मैंने लास्ट ईयर एक काम किया था और मेरे सर थे रवि सर, उन्होंने ये चीज़ मुझे सजेस्ट करी और ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी कि क्वेश्चंस जो भी प्रीवियस ईयर में आए हैं 2011 ऑनवर्ड्स डेली पूरा प्रॉपर पेपर एग्ज़ाम लाइक कंडीशंस में मैं उसे सॉल्व करती थी। 2 घंटे का टाइम देके उसको प्रॉपर 2 घंटे का टाइम हमें देना है और उसको सॉल्व करना है, और उसके बाद 2-3 घंटे का ब्रेक लेकर के CSET के टाइम पर CSET का पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं। CSET में हमें 2011 ऑनवर्ड्स की ज़रूरत नहीं है, अगर हम 4-5 साल के भी कर लेते तो आई थिंक वो मोर देन इनफ हो जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले से ये चीज़ हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए आई थिंक, कि 2011 के देन 12 के 13, 14, 15 ऐसे करते करते 10 साल के एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। तो ये, और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा हेल्प करी जिसने मुझे एग्ज़ाम वाले दिन में अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हैं उसके पहले ही जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होगा रफली उसको एक बारी देख लीजिए। अगर आप नहीं भी आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि उसको पढ़ के सॉल्व करने की कंडीशन में हम नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बट स्टिल एक बारी रफली अगर वो पेजेस भी आप फ्लिप कर लेंगे, 2-4 क्वेश्चंस को अगर हम प्रीवियस ईयर के पढ़ लेंगे तो माइंड हमारा ऑलरेडी एक्टिव हो जाता है। कई बार ये दिक्कत आती है कि जब हम एग्जामिनेशन रूम में एंटर करते हैं लगभग 10-5 मिनट तक हमारा ब्रेन ही एक्टिव नहीं होता, तो वो बहुत क्रूशियल टाइम हम मिस कर जाते हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर करने से पहले ही क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लेंगे, 2-3 साल की या 1-2 साल की भी अगर आप देख ले रहे हैं शांति से बैठ करके कहीं पर वो क्वेश्चंस को अगर हम रीड कर ले रहे हैं तो थोड़ा सा हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है, तो ये चीज़ बहुत हेल्पफुल रहती है और मेंटली हमारा स्ट्रेस भी डाउन हो जाता है। इसीलिए मैं स्ट्रेस कर रही हूँ कि आप अभी से PYQs पे फोकस करिए, क्योंकि अगर आपने अभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए होंगे तो जब लास्ट के 1 वीक पहले अगर आप इन चीज़ों को रिवाइज करेंगे और बार बार आप वही PYQs देखेंगे तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा, और एग्ज़ाम वाले डे में भी फिर आपको स्ट्रेस नहीं होगा क्योंकि कोई भी नई चीज़ आपके सामने नहीं आएगी। और स्पेशली अब जब सिर्फ 2 महीने के आसपास में हमारे पास टाइम बचा है तो नई चीज़ों को हमें नहीं लेना चाहिए, जो भी चीज़ें आपने पहले से पढ़ रखी हैं उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करने की कोशिश करिए। और सेकंड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, CSET का भी एक मेजर इशू रहता है। कई बार GS की कट ऑफ क्वालिफाई करने के बाद भी हम लोग CSET में मिस हो जाते हैं, जैसे कि सेकंड अटेम्प्ट में मेरे साथ भी हुआ था।
तो सीसेट के लिए मैं ये बोलूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगेन सीसेट में करना भी बहुत ज़रूरी है, और एक दो साल के क्वेश्चंस को एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में हम सॉल्व कर लें अगर, और जो भी हमारे मार्क्स आ रहे हैं उसको अगर हम देख लें, अगर वो मार्क्स ठीक कैटेगरी में आ रहे हैं, लगभग हम 90 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, तब हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं ही है, और हम दो तीन साल के भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे तो मैनेज हो जाती हैं चीज़ें। बट अगर सीसेट में मार्क्स डाउन जा रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम PYQs को सॉल्व करें। यहाँ पर एक चीज़ मैथ्स और रीजनिंग के लिए स्पेशली बहुत हेल्पफुल रही थी मेरे लिए, सौरभ कौशिक सर ने टेलीग्राम चैनल पर, उन्होंने डेली 5-5 क्वेश्चन पोस्ट करते थे, तो वो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करती थी और उसके बाद ही वो यूट्यूब का लिंक दे देते थे, तो वहाँ पर उन क्वेश्चंस को करने के बाद जो भी क्वेश्चन उसमें से नहीं आ रहा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होते थे, तो उसको मैं जा करके तुरंत यूट्यूब पे देख लेती थी, तो जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे उसे ऑन स्पॉट में तुरंत जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो हम सीख जाते हैं। तो उन्होंने ऐसा 2011 ऑनवर्ड्स ही सारे क्वेश्चंस कवर कर रखे थे, तो ये चीज़ मैंने फॉलो करी थी और ये बहुत हेल्पफुल था। मतलब 5-10 क्वेश्चन ही अगर हम डेली सॉल्व कर ले जाते हैं तब भी एक मंथ या एक डेढ़ मंथ में बहुत अच्छी कंडीशन हो जाती है। एक चीज़ को और मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि सीसेट में एग्जामिनेशन रूम में पेपर सॉल्व करते टाइम हमें थोड़ा सा स्ट्रेटेजी को मैनेज करना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं कि उनको देखकर हमें लगता है कि हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जब हम एक्चुअली में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाते हैं। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि किन क्वेश्चंस पे हमें एफर्ट लगाना है और किन क्वेश्चंस को हमें स्किप करना है। सीसेट में सभी क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा उस पर हमें ईगो पे नहीं लेना चाहिए कि अगर हम मैथ बैकग्राउंड से हैं तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, या हमें ये नहीं सोच के चलना चाहिए कि सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सॉल्व करके हम सीसेट क्लियर करेंगे, या सिर्फ मैथ्स रीजनिंग के बेस पर हम करेंगे और हम कॉम्प्रिहेंशन नहीं करेंगे। सीसेट में मेन फोकस ये रखना है हमें, जो भी ईजी क्वेश्चन है, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन के ईजी क्वेश्चन है, चाहे वो रीजनिंग एंड मैथ्स के ईजी क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चंस को हमें टारगेट करना है और उनको हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो आई थिंक सीसेट में ये चीज़ हमें बहुत हेल्प करेगी। एक चीज़ हमारे माइंड में ये प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ही हमेशा रहता है कि क्या कोचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने कहीं कोई कोचिंग नहीं ली थी और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि कोचिंग की नीड है हमें। आज के टाइम पर ऑनलाइन इतने सारे सोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लिए अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, तो कोचिंग और पढ़ने के लिए या कोई हमें पढ़ाए उस चीज़ के लिए हमें कोचिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोअर क्लास फैमिली से इवन मैं खुद कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैं सेल्फ स्टडी की तरफ मूव करी। तो कोचिंग की ज़रूरत, या कोई भी अगर मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली से बच्चा है तो इस चीज़ की स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ी जगह पर जाकर के हम कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं तो हम एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। हालांकि मैं दिल्ली में रहती हूँ बट करोल बाग मुश्किल से मैं 3-4 बार मैंने विजिट किया है सिर्फ मेंस में आंसर लिखने के टाइम पर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दिल्ली में जो बच्चे रह रहे हैं उनको कोई स्पेशल प्रिविलेज मिल रखा है, या फिर जो जिनके पास पैसे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं हाईली एक्सपेंसिव कोचिंग्स वही UPSC कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना तो मैंने बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करे थे, ना मैंने बहुत बड़ी कोई किसी कोचिंग में, मैंने किसी भी कोचिंग में एनरोल नहीं किया था, सिर्फ टेस्ट सीरीज़ खरीदी थी। तो ना हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, इसके बिना भी हम चीज़ों को कर सकते हैं। हालांकि एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि आपके पास कोई गाइडेंस अवेलेबल होना ज़रूरी है, वो किसी की भी हो सकती है, कोई आपका सीनियर हो सकता है, कोई आपका मेंटोर हो सकता है, या कोई भी आपसे बड़ा हो सकता है जिसको इस फील्ड की नॉलेज हो, जिन्होंने इस एग्ज़ाम को लिखा हो, इस एग्ज़ाम के बारे में समझा हो। क्योंकि बाकी एग्ज़ाम्स के कंपैरिजन में UPSC का एग्ज़ाम थोड़ा सा डिफरेंट है, तो जो भी आपको यहाँ पर आपकी हेल्प कर सकता है, मेरे केस में मुझे रवि सर मिल गए थे, तो जो भी चीज़ें इस एग्ज़ाम से रिलेटेड थे, जो भी इश्यूज थे, तो मैं सारी गाइडेंस मैं उनसे लेती थी। तो मेरी पूरी प्रिपरेशन, कैसे चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज करना है, किस तरीके से चीज़ों को करना है, वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। कोई हमें पढ़ाने वाला हो ये चीज़ मुझे लगता है ज़्यादा नीडेड नहीं है, क्योंकि हम सब ग्रेजुएट हैं, बेसिक बुक में अगर कोई चीज़ लिखी है उसे पढ़ के हम समझ सकते हैं। प्रॉब्लम इस जर्नी में आती है चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज करने में, किस तरीके से हमें अपनी स्ट्रेटेजी को फ्रेम करना है, राइट टाइम पर कैसे राइट चीज़ों को करना है,
कि किस टाइम पर हमें मॉक्स लगाने हैं, किस टाइम पर हमें किस चीज़ को ज़्यादा वेटेज देनी है, कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स को वेटेज देनी है, किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है, न्यूज़पेपर को किस तरीके से कवर करना है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी, ये चीज़ों को समझना ज़रूरी है। और इनके लिए कोई भी बड़ी गाइडेंस अगर हमारे पास अवेलेबल है, मेरे केस में रवि सर थे इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, आपके केस में अगर कोई भी आपके पास है तो कोई इशू नहीं है इसमें और कोई कोचिंग नीडेड नहीं है। और एक चीज़ और, मोबाइल फ़ोन के बारे में बोला जाता है, तो मोबाइल का मैं बता देती हूँ, बहुत एक्सेसिव यूज़ करता मुझे नहीं लगता कि वो बेनिफिशियल होता है। इवन सोशल मीडिया पे भी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पे मैंने मेंस के बाद ही मैंने आई हूँ और आईडी वगैरह मेरी सब इनके बाद ही बनी है और मैं ज़्यादा एक्टिव रही हूँ। तो ये सोशल मीडिया तो हमें छोड़ के ही रखना चाहिए जितना मुझे लगता है प्रिपरेशन के टाइम पर, और मोटिवेशन के लिए यूट्यूब पे जाना और इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि मोटिवेशन हमें तभी मिलेगा जब हम पढ़ाई करेंगे ठीक से। आप ट्राई करके देख सकते हैं, अगर आप ठीक से एक हफ्ते भी डेडिकेटेड होकर के 8 to 10 hours अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी किसी और मोटिवेशन की। तो मोटिवेशन के लिए यूट्यूब पे जाना, इंस्टाग्राम पे जाना, टॉपर्स को फॉलो करना या लबासना की वीडियोस देखना, वहां से मोटिवेट होना आई थिंक ज़रूरत नहीं है उसकी। थोड़ा टाइम के लिए आप कर सकते हैं, बट मोबाइल का एक्सेसिव यूज़ नहीं करना चाहिए। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने भी टाइम आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोशिश करिए कि आप प्रिपरेशन मोड में ही रहें, डिस्ट्रैक्शंस जितनी कम होंगी उतना अच्छा होगा। अगर आप पॉजिटिव मैनर में उसका यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं था कि मोबाइल मैं यूज़ ही नहीं करती थी, फ़ोन पे हमेशा टाइमर लगा करके ही मैं पढ़ाई करती थी, तो उसका अगर आप प्रोडक्टिव मैनर में यूज़ कर रहे हैं, आप इंटरनेट को अच्छी चीज़ों के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं, कोई वेबसाइट अगर अच्छी मिल रखी है, आपको ऑनलाइन कंटेंट अच्छा मिल रखा है, आप उसके लिए अगर उसको यूज़ कर रहे हैं, टेलीग्राम वगैरह पे भी आजकल बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती हैं जिसके लिए कि हमें कोई एक्सपेंसिव पे नहीं करना पड़ता है। तो अगर आप इन चीज़ों के लिए पॉजिटिव मैनर में यूज़ कर रहे हैं, जो चीज़ें नीडेड हैं उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, अपने टाइम को देखते हुए यूज़ कर रहे हैं, देन इट इज़ गुड। बट अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के लिए और टाइम वेस्ट के लिए यूज़ करना, आई थिंक ये हमें नहीं करना चाहिए, और जितना हो सके उतना बच के रहना चाहिए जब तक स्पेशली आपका मेंस नहीं हो जाता है। तो थैंक यू सो मच, मेरी ये स्ट्रेटेजी थी प्रीलिम्स के लिए, जीएस के लिए भी और सीसेट के लिए भी। आप ट्राई करिए और इसको फॉलो करने की कोशिश करिए और अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को प्लान करिए और उसके बाद इम्प्लीमेंट करिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच डीकेटी टीम फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड थैंक यू सो मच।